हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्को इनसाइट्स। हम आज आपके सामने एक वीडियो लेके आ रहे हैं जो कि कोरोना वायरस के बारे में आपको थोड़ी सी अवेयरनेस प्रोवाइड करेगा, थोड़ी सी और जानकारी देगा, जो कि बहुत सारे मिथ्स पूरे दुनिया में फैल रहे हैं इसके अराउंड। तो उस वो मिथ बस्ट करने के लिए और आपको थोड़ा और सतर्क करने के लिए हम लोग ये वीडियो लाए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस फैला कैसे। दिसंबर में चाइनीज़ हेल्थ ऑफिशियल्स ने WHO को बताया कि वायरस उनकी कंट्री को पूरा परेशान कर चुका है, जिसमें निमोनिया लाइक सिम्टम्स लोगों को हो रहे हैं। तो फिर जब WHO ने पता लगाया कि वायरस एक्चुअली है क्या, तो उन्होंने तुरंत पता लगा लिया कि कोरोना वायरस है। उसके बाद उन्होंने इस कोरोना वायरस का नाम दिया COVID-19। को माने कोरोना, VI माने वायरस और D माने डिजीज़। 19 मतलब 2019 में उत्पन्न हुआ, तो COVID-19 WHO ने इसको नाम दिया। धीरे धीरे जैसे ये कोरोना वायरस इतनी बुरी तरीके से पूरी दुनिया में फैल गया है, तो WHO ने इसको एक पेंडेमिक घोषित कर दिया है। एंडेमिक का मतलब होता है एक स्मॉल एरिया में कोई डिजीज फैलना, जैसे मलेरिया, डेंगू या चिकन पॉक्स, क्योंकि हम सबको एक बार चिकन पॉक्स हम सबको एक बार हुआ होगा। एपिडेमिक होता है जैसे इबोला पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फैल गया था और धीरे धीरे और भी कुछ एरियाज अराउंड द ग्लोब में फैला। बट पेंडेमिक वो होता है जो कि बहुत जल्दी जल्दी अराउंड द ग्लोब फैल जाता है। जरूरी नहीं कि वो उससे लोग मर ही रहे हो, मगर वो फैलता बहुत जल्दी से और बहुत बड़े एरिया को अफेक्ट करता है। COVID-19 बेसिकली वुहान चाइना से फैला और धीरे धीरे ये पूरी दुनिया में फैल गया। अभी इसका सेंटर चाइना ना होके यूरोप हो चुका है। डेथ इससे कोरोना वायरस से अराउंड 2-3% है। जो भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, 80% ऑफ द केसेस माइल्ड हैं, उसमें से 15% केसेस क्रिटिकल है और 5% केसेस ऐसे हैं जिसमें क्रिटिकल ICU बेड्स की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस से डेथ बेसिकली ज़्यादातर उन लोगों को हो रही है जो कि मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, और छोटे बच्चे जिनकी इम्यूनिटी में भी उतनी ज़्यादा नहीं है, वो भी शायद इसके चपेट में आके उनकी मृत्यु हो सकती है। तो COVID-19 के साथ एक दिलचस्प बात ये है कि जो लोग इसके सिम्टम शो भी नहीं कर रहे होते हैं, वो भी बहुत लोगों को अफेक्ट कर देते हैं। इसके अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं तो 14 दिन लगते हैं इसके सिम्टम आपके अंदर शो करने के लिए, बट उन 14 दिन के दौरान आप बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। आप अपने इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड करते हैं ट्रीट होने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारे मेजर्स ले रही है इस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए, जैसे कि इन्होंने एग्जिस्टिंग वीजा 15 अप्रैल तक सारे कैंसिल कर दिए हैं, बेरिंग फ्यू फॉरन नेशनल्स जो कि डिग्नेटरीज हैं या UN या WHO के ऑफिशियल्स हैं, उनके अलावा बाकी सारे टूरिस्ट और बाकी वीजा कैंसिल कर दिए हैं 15 अप्रैल तक। उसके अलावा उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप इस नंबर को मोबाइल में सेव कर लीजिए, जो भी इस महामारी से रिलेटेड क्वेरीज हैं आपकी, आप इस नंबर पे मैसेज इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। अब तो प्राइवेट लैब्स को भी अथॉरिटी मिल गई है कि वो इस वायरस की टेस्टिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स को तो पहले से ही अनुमति थी। अब सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या अंतर है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि ये कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है सिटीजन्स के ऊपर, बट उनसे ये बोला जाता है कि आप अपने घर में रहिए इस वायरस को स्प्रेड होने से बचाने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर लॉकडाउन की स्थिति में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए आप बाहर जा सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको विजिट करना है या डॉक्टर को दिखाना है या आपको ग्रोसरीज खरीदनी है, तो अगर आप लोगों ने इसका पालन सही तरीके से नहीं किया तो गवर्नमेंट को जानबूझ के कर्फ्यू लगाना पड़ेगा अंडर सेक्शन 144। पूरे इंडिया में इस समय एपिडेमिक डिजीज एक्ट लगा हुआ 1897 वाला, जो कि इस कर्फ्यू लगाने को स्टेट गवर्नमेंट को पूरा पावर देता है। तो आप प्लीज गाइस घर में रहिए, लॉकडाउन होगा, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अगर कर्फ्यू लग गया तो फिर गवर्नमेंट से स्पेशल ऑर्डर आएगा कि आप एसेंशियल लेने के लिए या ग्रोसरीज खरीदने के लिए अब जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स की और कुछ मिथ बस्ट करते हैं। सबसे बड़ा सॉल्यूशन इस महामारी को रोकने का यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यह है कि आप दो इंडिविजुअल के बीच में कम से कम 1 मीटर या 3 फीट की दूरी रहनी चाहिए। अगर आप बाहर जाते हैं या कोई क्राउडेड प्लेस में जाते हैं एसेंशियल सर्विसेज यूज करने के लिए, तो वहां पे कम से कम दूसरे आदमी से आप 1 मीटर की दूरी बना ही रखें, वरना ये महामारी कम्युनिटी में फैल जाएगी। अगर मैथमेटिकल मॉडलिंग पे भरोसा किया जाए तो अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाएंगे तो ये वायरस कम से कम 20% ऑफ इंडिविजुअल्स को इंडिया में हो जाएगा और उसमें से 1% लोगों को ICU केयर की ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब 11 लाख लोगों को ICU केयर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपको अभी करंट डाटा बता दूं, इंडिया में सिर्फ 1 लाख ICU बेड्स हैं, तो हेल्थ सिस्टम पे पूरे
देश पे इतना ज्यादा बर्डन आ जाएगा कि हम लोग बहुत पैनिक करेंगे, तो प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। दोस्तों कुछ मिथ बस्ट कर देते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, इस डिजीज पेंडेमिक से रिलेटेड है। लोग ये बोल रहे हैं कि गार्लिक खाने से वायरस मरता है, ऐसा कुछ नहीं। गार्लिक खाने से आपकी इम्यूनिटी जरूर बढ़ती है मगर ये वायरस बिल्कुल नहीं मरता है, ऐसे कोई रिसर्च शो नहीं करते। लोग ये बोल रहे हैं कि इंडिया एक हॉट एंड ह्यूमिड कंट्री है, जैसी जैसे गर्मी बढ़ेंगी टेम्परेचर राइज होगा, ये वायरस मर जाएगा, ये कोई रिसर्च शो नहीं करती है। ये बहुत लोग बोल रहे हैं बट ऐसा कोई रिसर्च कंफर्म नहीं करती है कि ज़्यादा टेम्परेचर होने पे ये वायरस मर जाएगा, बल्कि ह्यूमिड क्लाइमेट में तो ये वायरसेस और जल्दी फैलते हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि आपके पेट से आपको हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप अपने पेट के साथ खेलिए बट उसके खेलने के बाद आप अपने हाथ पैर जरूर धो लीजिए, उससे आपको वायरस होने का बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है। और प्लीज़ गाइज सोशल डिस्टेंसिंग अपनाइए, लॉकडाउन का पालन करिए। हु ने भी ये बोला है कि अगर आप लोग ढंग से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं तो 3 to 4 weeks में इस पेंडेमिक से लड़ा जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, अगर ये कम्युनिटी में बदल गया, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं COVID-19 के इकोनॉमिक इम्पैक्ट। सारे मेजर स्पोर्टिंग इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, फैशन इवेंट्स कैंसिल हुए हैं, बहुत सारे बिजनेस कॉन्क्लेव्स कैंसिल हुए हैं, UEFA चैंपियंस लीग 1 साल पोस्टपोन हो गई, हम सबका फेवरेट IPL ही पोस्टपोन हो चुका है, तो बहुत सारा लॉसेज हो रहा है। ऐसा एस्टिमेशन है कि मोर देन 300+ billion dollars का ग्लोबल सप्लाई चेन को लॉस हुआ है, जो कि 2 साल और आगे तक इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये समय है अपनों के साथ रहने का, अपने पेरेंट्स के साथ और ज्यादा समय बिताने का, पुरानी फोटो एल्बम्स देखने का, छूटी हुई मूवीज और टीवी सीरीज देखने का, कोई नई स्किल सीखने का, कोई नई हॉबी अपनाने का, बहुत सारी अनगिनत चीजें आप कर सकते हैं। और ये डिजिटल दुनिया है, आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो प्लीज गाइज स्टे होम स्टे सेफ।